नमस्कार दोस्तों। तो राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि राजा भैया हमें इंडिया से ब्राज़ील पैसे भेजने हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें ब्राज़ील से इंडिया पैसे भेजने हैं। तो ये जो मनी ट्रांसफ़र है इंडिया ब्राज़ील के बीच में, ये कैसे वर्क करता है, क्या वेज हैं, क्या प्रोसेस है, तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। अभी कल भी मुझे कमेंट आया था तो मैंने कहा चलो यार भैया वीडियो बनाओ और लफड़ा ख़त्म करो। तो दोस्तों आते हैं हम लोग मुद्दे पे, कैसे भेजें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंडिया से बाहर पैसे भेजना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इंडिया से बाहर पैसे भेजना मुश्किल है। इंडिया से अगर आपको बाहर पैसे भेजना है तो एक अच्छा तरीका है, लीगल और सिंपल। अगर इंडिया से आपको बाहर पैसे भेजने हैं तो एक तरीका है, लीगल है वो, और वो फॉलो किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे बैंक वायर ट्रांसफ़र इंडिया से ब्राज़ील या किसी भी देश में, तो आपको अकाउंट डिटेल्स लगेंगे और फिर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन उसमें ये होता है ना, फिर आपको जाना पड़ेगा बैंक, जाके ब्रांच से बात करनी पड़ेगी, उसमें फिर वो पंगा होता है। वो कहेंगे क्यों बाहर क्यों भेज रहे हो पैसे आप। चार सवाल होते हैं ना, हमको किसी के लिए भी भेजना है तुमको, उससे क्या करें? तो ब्यूरोक्रेसी आ जाती है ना फिर वहाँ, बैंक आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो बैंक वायर ट्रांसफ़र है एक, जो टोटली लीगल वे है, और एक और वे है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे पेपाल है। पेपाल के थ्रू आप इंडिया से ब्राज़ील कर सकते हैं। मतलब वो फिर क्या होगा, पेपाल के थ्रू आप उसको भेज सकते हैं पैसे किसी को भी ब्राज़ील में, फिर वो अपने अकाउंट में डाल लेंगे, तो ये होता है। लेकिन पेपाल में फिर आपको पता है कि फ़ीस लगती है, चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ उसमें वो बेस्ट ज़रिया है। फिर पेपाल सबसे सही, अपने आप कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे ऐप पे भी कर सकते हो, है ना, वो सबसे सही तरीका है। इंडिया से ब्राज़ील आप पेपाल यूज़ कर सकते हो, पेपाल का भी लीगली है तरीका पूरा, कोई लीगल नहीं है वो, आप फिर एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, ये है। अभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंडिया से ब्राज़ील का तो कॉम्प्लिकेटेड है, वो पेपाल इस्तेमाल कर सकते हो, वेस्टर्न यूनियन नहीं चलता। अभी मैं एक तो और चीज़ बता देता हूँ, इंडिया से अगर आपको बाहर पैसा भेजना होगा ना तो वेस्टर्न यूनियन से नहीं भेज सकते। वेस्टर्न यूनियन बाहर से अगर आपको इंडिया पैसे भेजना है, कोई आपको बाहर से इंडिया पैसे भेजना चाहता है, तो वो पॉसिबल है। इंडिया से बाहर पैसे भेजना पॉसिबल नहीं है, वेस्टर्न यूनियन में बैंड है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे कि अगर ब्राज़ील से आपको इंडिया पैसे भेजने हो या किसी भी देश भेजने हो तो आप कैसे भेजेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्राज़ील से बाहर पैसे भेजना बहुत आसान है। अगर आपको घर वालों को पैसे भेजने हैं तो दो तरीके हैं बहुत बढ़िया। एक तरीका जो है वो ट्रांसफ़र वाइज है, ट्रांसफ़र वाइज ही लगभग सब फॉरेनर्स यूज़ करते हैं, किसी भी देश का, इंडियन भी वो यूज़ करते हैं, दूसरे देश के लोग भी यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र वाइज बहुत सही है, ट्रांसफ़र वाइज की ऐप डाउनलोड करो, उसमें फिर वो डिटेल विटेल सब डालो। आप जैसे अब अपने घर वालों को, आप ब्राज़ील में रह के काम कर रहे हो, आपको घर वालों को भेजना होंगे पैसे, तो क्या कर सकते हो, घर वालों जैसे फादर हैं आपके, उनके डिटेल डालिए, ठीक है, और आप फिर पेमेंट कर दो। अब उसमें क्या होता है, आप चालान जनरेट कर सकते हो, चालान जनरेट होता है, चालान को बोलते हैं बोले तो जनरेट कर सकते हो चालान, और किसी भी लॉटेरिका में जाके उसको पे कर सकते हो कैश। जैसे 1000 रियाल भेजना है, 1000 रियाल अगर आपको घर भेजना है, मतलब वैसे ही 13-14 हज़ार रुपये, तो वो कैश पेमेंट वहाँ हो जाएगा। तो ऐसा है, तो ट्रांसफ़र वाइज जो है वो सबसे जो है क्या कहते हैं सबसे सही तरीका है। चार्ज हैं उसमें भी, चार्ज हैं, टैक्सेस होते हैं, कुछ फीस होगी ट्रांसफ़र की, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं है। सेकेंड वे, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र, ब्राज़ील से आप इंडिया या किसी भी देश भेज सकते हो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र, सबसे फास्टेस्ट तरीका है। ट्रांसफ़र वाइज जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप आज ट्रांसफ़र करोगे तो 4-5 दिन बाद आएगा, ठीक है, टाइम लगता है, क्योंकि वो वायर ट्रांसफ़र है ना। उसमें क्या करोगे, आप ट्रांसफ़र वाइज वालों को ब्राज़ील में दोगे पैसे, फिर वो पैसे जो हैं वो वहाँ इंडिया में ट्रांसफ़र करवाएंगे। मतलब आप एक ट्रांसफ़र, आप ट्रांसफ़र वाइज वालों को यहाँ दे रहे हो, फिर वो वहाँ कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट में जाता है पैसा ट्रांसफ़र वाइज का, तो ये होता है। तो ट्रांसफ़र वाइज जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो डिले करता है, वो समझ लो कि
चार पांच दिन एक हफ्ता डिले कर सकता है वर्किंग डेज, ठीक है, तो इतना डिले करता है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सबसे फास्ट है, उसके थोड़े से चार्ज ज़्यादा है। मतलब ये समझ लो कि एक ट्रांजैक्शन आप कोई करने वाले होगे ना, उस पर अगर आपको 50-60 रियाल चार्ज लग रहा होगा ट्रांसफ़र वाइज में, तो वो चार्ज वेस्टर्न यूनियन में 90-100 रियाल हो जाएगा। ये है, ये डिफरेंस ऐसी समझे आप, 50-60 रियाल का कुछ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वेस्टर्न यूनियन में मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या होता है ना, वेस्टर्न यूनियन सबसे फास्ट है। यहाँ आपने कहा कि एक्स वाई जेड है, अकाउंट नंबर भी नहीं देना उसमें, उसमें आपको सिर्फ नाम है और बस वो कोड जनरेट हो जाएगा और आप कोड इंडिया में भेज दोगे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी थ्रू, और वहाँ वो जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपने आईडी प्रूफ ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा होता है दोस्तों, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में अराउंड 30 मिनट में ही डिपॉजिट हो जाता है, पहुंच जाता है पैसा, वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट वे है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र के थ्रू आप अगर ब्राज़ील में रहते हैं और इंडिया पाके कहीं पे भी अपने घर वालों को देना चाहते हैं पैसे, तो वो कर सकते हैं, फास्ट वे है। ओके, तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र हो या ट्रांसफ़र वाइज हो, आप उनकी जो है ऐप्स और उनकी वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये है, और फिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्राज़ील से भी इंडिया पेपाल भी यूज़ कर सकते हो। पेपाल तो भैया वो है एकदम, है ना, वो फिर वही है। मतलब पेपाल में कैसा है, आप अपने डिटेल डालोगे और वो व्यक्ति को भेज दोगे, उसको तुरंत मिल जाएगा, ऐसा होता है। फिर वो पेपाल जो है वो एक वॉलेट है, ये समझ लो कि वॉलेट जैसा है वो, जैसा पेटीएम है कि भाई हमने उनके वॉलेट में डाल दिया और वो वहाँ से फिर वो अपने बैंक में डाल लेगा, तो पेपाल ऐसा है। तो वो पेपाल जो है इंटरनेशनल है, वो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ब्राज़ील से इंडिया भेजना आसान है, इंडिया से ब्राज़ील भेजना या बाहर भेजना आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ थे, पेपाल दोनों जगह कॉमन है, मतलब इंडिया से ब्राज़ील, ब्राज़ील से इंडिया, और अगर आपको फिर इंडिया से ब्राज़ील भेजना तो फिर बैंक वायर ट्रांसफ़र कर सकते हो, लीगल है और टोटली ओके है वो। फिर उसके बाद अगर आपको ब्राज़ील से इंडिया भेजना है तो फिर वो वायर ट्रांसफ़र उसमें भी एप्लीकेबल है, वायर ट्रांसफ़र के थ्रू भी भेज सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वायर ट्रांसफ़र होगा या एक और है मनीग्राम करके, उनमें चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब ये समझ लो आप 4,000 भेजोगे ना, सामने वाले को 3,000 मिलेगा, तो क्या मतलब है ऐसा, समझे आप। मनीग्राम का मैंने सुना है उसमें चार्ज बहुत लगता है, बैंक वायर ट्रांसफ़र में चार्ज बहुत लगता है, सबसे ज़्यादा फीजेबल कि भाई हाँ भाई अगर मैं 4,000 भेज रहा हूँ ना, तो सामने वाले को 3,700 मिल जाए, 300 चार्ज लग जाए, कोई इशू नहीं। तो ये होता है अगर सबसे फीजेबल और सबसे कम चार्ज वाला ट्रांसफ़र वाइज है, लेकिन वो थोड़ा डिले करता है। और उसके बाद जो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र है वो सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन उसमें फिर ऐसा होगा कि 4,000 भेजोगे तो 3,400 मिलेगा, ठीक है, तो वो चलता है उतना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ वेज थे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और यही वेज हैं, यही वेज जो हैं वो सारे फॉरेनर जो ब्राज़ील में रहते हैं यूज़ कर रहे हैं। और आपको कोई और वे पता हो तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कमेंट करो, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। सबको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई जानकारी हो दैट मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।